सो वेलकम बैक टू जे बी आर दोस्तों, आज का अपडेट है फिजिक्स वाला की तरफ से। फिजिक्स वाला एक एजुकेशन ब्रांड है जहां पे आप वर्क फ्रॉम होम करके घर पे बैठ के कमा सकते हैं 15,000 से 20,000 रुपये। अब ये जॉब अपडेट इसको डबल ऑसम बनाती है क्योंकि यहां पे जॉब मिलेगी एक सिंपल से गूगल फॉर्म पे अपनी पूरी प्रोफाइल को कंप्लीट करने के बाद। तो इस पर कोई भी हेक्टिक प्रोसीजर नहीं है जॉब अप्लाई करने का, जस्ट एक गूगल फॉर्म आपको फिल करना है और यस यू कैन गेट दिस जॉब। अब ये गूगल फॉर्म पूरा का पूरा फिल कैसे करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, और अगर आप फिजिक्स वाला को ज्वाइन करना चाहते हैं वर्क फ्रॉम होम फ्रेशर लेवल पे 15,000 से 20,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और उन पर्सन को भी मैं बोलना चाहूँगा जो बहुत जल्दी फेक है जॉब नहीं मिलेगी, थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं जॉब को लेके, कि आप ट्राई करें क्योंकि सारी चीज़ें हमारे चैनल पे एब्सोल्युटली फ्री है। देखिए, ट्राई नहीं करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, और ट्राई करने के पैसे लग रहे हैं तो सोचना भी पड़े। ट्राई करना एब्सोल्युटली फ्री है, अप्लाई करना एब्सोल्युटली फ्री है। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या मिस्टेक है, क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं जिससे जॉब नहीं मिल रही, और कुछ गलतियाँ तो आप इसी वीडियो में, इस पूरी वीडियो को कम्प्लीट देखने के बाद भी सीख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक लाइक और एक शेयर के साथ, जिसे आप शेयर करेंगे अपने एक उस फ्रेंड को जिसको जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिंक पे क्लिक करना है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आप गूगल फॉर्म पे आ जाएंगे जहाँ पे टॉप ऑफ द पार्ट पे ही लिखा हुआ है आपकी टाइटल या आपका प्रोफाइल, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी विद फिजिक्स वाला, और ये क्या है, करिकुलम डेवलपर सबमिट विलिंगनेस। तो बेसिकली इट इज़ अ इंटर्नशिप। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे सर स्टार्टिंग में जॉब, अभी इंटर्नशिप, तो यस इट इज़ अ इंटर्नशिप। पहले तो मैं डिफरेंट क्लियर करता हूँ जॉब और इंटर्नशिप में क्या डिफरेंस होता है, फिर मैं बताऊँगा इंटर्नशिप के बेनिफिट्स क्या है। जॉब एक परमानेंट जॉब होती है जहाँ पे डेडलाइन कंप्लीट नहीं होती। आप जॉब करिए, या तो आपको अच्छा नहीं लग रहा या कंपनी को अच्छा नहीं लग रहा, तो कंपनी आपको निकाल देगी या आप जॉब को क्विट कर देंगे। पर इंटर्नशिप में ऐसा नहीं होता। इंटर्नशिप में जब आप एंट्री करते हैं, मतलब ज्वाइनिंग करते हैं, तभी फाइनल होता है आप कितने दिन कंपनी में काम करेंगे। तो यस एक इंटर्नशिप है जो कि 3 to 6 months इंटर्नशिप है, तो यस एक परमानेंट जॉब नहीं है। पर शौक मत लगाना कि यार जॉब तो मिल ही नहीं रही, ये तो इंटर्नशिप है। इस इंटर्नशिप से आपको जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वो है आपका एक्सपीरियंस। यस यू हैव सम एक्सपीरियंस, तो आप बहुत सारी जॉब में अप्लाई कर पाएंगे जहाँ पे एक्सपीरियंस की नीड होती है। तो नंबर ऑफ जॉब्स जहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे इंक्रीज हो गई। सेकंड बेनिफिट यहाँ पे क्या मिलता है, आपको कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिल जाता है कि कंपनी काम किस तरीके से करती है, जिससे आप अगर अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि कंपनी किस तरीके से रन होती है तो आप बेटर वे में जान सकते हैं। तो कुछ नहीं होने से कुछ होना बेटर होता है, तो यस यू कैन ज्वाइन दिस इंटर्नशिप। देन आफ्टर यहाँ पे लिखा है वोना लीड फिजिक्स वाला ग्रोथ प्री, ठीक है। इसके बाद आपका करिकुलम डेवलपर आप रहेंगे, सबमिट विलिंगनेस रहेगा, दिस इज अ एनेबल फ्रेश ग्रेजुएट, फ्रेश वर्ड यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब अगर आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है तब भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, टू सबमिट देयर इंटरेस्ट फॉर ज्वाइनिंग द फिजिक्स वाला टीम। तो आप अपनी यहाँ पे ज्वाइनिंग डाल सकते हैं फिजिक्स वाला टीम को ज्वाइन करने के लिए। अब कौन सा डोमेन रहेगा वो हम आगे फॉर्म में देखेंगे। देन आफ्टर एम्प्लॉयमेंट 3 to 6 months इंटर्नशिप रहेगी, टोटली डिपेंड आप पे करती है। सेकेंडली स्टाइफंड 15,000 से 20,000 रहेगा इन हैंड, तो यस कोई डिडक्शन नहीं है, 15,000 से 20,000 रुपये आपको आपके हाथ में मिल जाएंगे। और देन आफ्टर आपका ज्वाइनिंग लोकेशन है वर्क फ्रॉम होम, जो आपका स्टैंड करता है कि आपको घर पे बैठ के काम करना है, और इसको बहुत बार रिमोट भी लिख देते हैं। अगर कहीं पे रिमोट लिखा हो तो आपको समझ जाना है इट इज़ ए वर्क फ्रॉम होम, यस यहाँ पे घर पे बैठ के ही आपको काम करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, फॉर्म को समझते हैं। सबसे पहले आपका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, तीनों बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप फिल कर लेंगे। उसके बाद यूअर CGPA ओनली इन्फॉर्मेशन, नॉट अ शॉर्टलिस्टेड क्राइटेरिया, मतलब आपको CGPA डालना है। CGPA क्या होता है, आपका 10th या 12th का स्कोर, आप अपनी बड़ी क्वालिफिकेशन का डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैं ग्रेजुएशन का डालना प्रेफर करूँगा, क्लियर हो रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट हूँ तो पोस्ट ग्रेजुएशन का डालना प्रेफर करूँगा। और लिखा है ये शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन है कि आपने कितना स्कोर किया था। देन आर यू इंटरेस्टेड टू ज्वाइनिंग एज ए फुल टाइम और ट्रेनिंग, वी आर हायरिंग 3 months इंटर्नशिप। अब देखिए ये यहाँ से पूछ रहा है कि इंटर्नशिप के बाद आप जॉब चाहते हैं, तो इस टाइप से चीज़ें आपसे रेस कर रहा है। तो यस आफ्टर इंटर्नशिप अगर अच्छा काम है तो अपॉर्चुनिटी रहेगी जॉब की, आपको जस्ट क्लिक करेंगे, चूज करेंगे आप फुल टाइम चाहते हैं या पार्ट टाइम चाहते हैं। देखिए अगर मैं होता मैं फुल टाइम चूज़ करता, क्योंकि मैं कंपनी को दिखाना चाहता हूँ अभी इंटर्नशिप है कर लूँगा, अगर फ्यूचर में ज़्यादा अच्छा काम मिलता है तो वो भी मैं करने में इंटरेस्टेड हूँ।
क्लियर है। देन आफ्टर आपका सीवी आएगा, मैक्सिमम 10 MB का होना चाहिए, आपको अपना सीवी अपडेट करना है। सीवी को अपडेट करने के बाद अपलोड करना। अब सीवी में क्या अपडेट करना है, रिज्यूमे में क्या अपडेट करना है, बिल्कुल लास्ट में वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। देन आफ्टर डू यू हैव पर्सनल लैपटॉप एंड वाईफाई कनेक्शन, यस आई हैव, मैं यस पे क्लिक कर दूंगा। नेम ऑफ यूर ग्रेजुएशन डिग्री, जिसमें आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, जैसे मैंने बीएससी इन केमिस्ट्री ऑनर्स कंप्लीट करी है, तो मैं पूरा मेंशन यहां पे करूंगा बीएससी इन केमिस्ट्री ऑनर्स। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसको डिटेल के अंदर पूरा क्लियरली आप मेंशन करेंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन स्ट्रीम आपकी क्या थी, मेरी साइंस थी, तो आपकी जो भी आप उसे यहाँ पे मेंशन करेंगे। प्रेफर्ड सब्जेक्ट, मतलब आप किस सब्जेक्ट को पढ़ाना या डाउट्स लेना क्लियर करेंगे। अब देखिए फिजिक्स वाले एक एजुकेशन सेक्टर की है, तो यहाँ पे वो एजुकेशन दे रही है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम के अंदर, तो जिसमें आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है, अगर कोई बीटेक स्टूडेंट है तो वो यहाँ पे सीएस से कंप्लीट कर रहा है तो कंप्यूटर साइंस पढ़ा सकता है ना। अगर कोई यहाँ पे फिजिक्स का स्टूडेंट है तो फिजिक्स पढ़ा सकता है ना। एग्जैक्टली आपको यहाँ पे अपना प्रेफर्ड सब्जेक्ट है, मेरा प्रेफर्ड सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो मैं इसे मेंशन कर दूंगा। करंट लोकेशन इज दिल्ली। पैन कार्ड नंबर जो भी आपका रहेगा उसे फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड पे मेंशन है। देन आफ्टर करंट एड्रेस विद पिन कोड, पूरा प्रॉपरली एड्रेस लिखेंगे, दिल्ली मेरा पिन कोड है 11000009, जो भी आपका प्रॉपरली है, गांव का नेम लोकेशन पूरा मेंशन करेंगे। हाउ मेनी डेज यू हैव एबल टू ज्वाइन, मतलब कितने डेज के अंदर आप ज्वाइन है यहाँ पे एबल करने के लिए, मैं 7 डेज कर दूंगा, मतलब जस्ट राइट नाउ आप बस फॉर्म लीजिए, मेरा इंटरव्यू लीजिए और मुझे ज्वाइनिंग करवाइए। तो जितना जल्दी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं उतना आपके लिए फेवरेबल है, लास्ट में मैं सबमिट कर दूंगा। तो ये था पूरा का पूरा फॉर्म, जो कि इस बहुत ईजी अप्लाई करना है। यहाँ पे एक मेजर पार्ट जो मैंने लास्ट में आपको बताना था वो है आपका सीवी। देखिए सीवी जो होता है ना वो आपकी पहचान होती है, और इंसान की पहचान उसके काम से होती है। तो अगर मैं अपने सीवी के अंदर कुछ ऐसा लिखूं जो कि एजुकेशन सेक्टर की कंपनी के लिए बहुत यूजफुल है, जैसे अगर मैंने ट्यूशन पढ़ाया हुआ है तो वहाँ पे मैं मेंशन करूँगा कि मैंने अपने ट्यूशन पढ़ाया हुआ है, कौन से स्टैंडर्ड को पढ़ाया हुआ है, कब पढ़ाया था और क्या पढ़ाया था। क्लियर हो रहा है? अब ये एक तरीके से एक्सपीरियंस है भी या नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है चूँकि किसी कंपनी में काम नहीं करा, और एक्सपीरियंस है चूँकि मैंने पढ़ाया हुआ है। तो आप अपने सीवी के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखेंगे जो नॉर्मल सीवी से आपके सीवी को एक अपर लेवल पे लेके जाएगा, जिसके अंदर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, आप पैशनेट है पढ़ाने के अंदर वो शेयर कर सकते हैं, या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपका कोर नॉलेज है वो भी शेयर कर सकते हैं। बट आपका सीवी अपडेटेड होना चाहिए, उसके अंदर एक्स्ट्रा स्किल्स इंटीग्रेटेड होने चाहिए, एंड देन यू कैन अपलोड your CV here। तो ये थी आज की जॉब अपडेट, जहाँ पे आप फिजिक्स वालों को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे इंटर्नशिप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं सचिन चौहान फिर आपसे मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट कंटेंट में। पर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 1 मिलियन के बहुत पास है यार, थोड़ा सा पुश करो, 1 मिलियन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाओ, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले आपको और जॉब्स की अपडेट देने के लिए। तो चलिए बाय बाय, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JVR।